What's up everyone, this is Pranay here and मैं आपका इस चैनल पे स्वागत करता हूँ. So आज हम मरीना बराज घूमने जा रहे हैं and this is not a very touristy location but being a person who lives in Singapore, this is something I can visit. And normally जब आप घूमने आते हो सिंगापुर में तो this is not a place जो आप घूमने की सोचोगे. But I'll show you around. It's kind of a picnic spot locals के लिए. जैसे हम लोग छोटे में पार्क में नहीं जाते थे पिकनिक बनाने के लिए. बराज का मीनिंग जो होता है दैट्स बेसिकली अ डैम. जैसे अपने नहीं होते पानी रोकने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए डैम बना देते हैं. सो दिस डैम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डैम इन सिंगापुर एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर सिंगापुर. कैसे वहाँ पहुँच के बताता हूँ. Why don't you get it by now? Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that code? Why is our love at one side? It should really be give and take. Fill you up and leave me empty. Baby, was that my mistake? Covering these feelings. Going through changes. I'm just so mad right now. Can't even think straight, so I'ma just tweet it and delete it, knowing you won't read it. Before we get too far away, I need to clear my mind. जहाँ हम जा रहे हैं, that is nothing but a dam in Singapore. It plays a very major role in Singapore. ये तीन या चार चीज़ों में बहुत ज़्यादा contribute करता है Singapore को. First is that ये जो पीछे आप पानी देख रहे हो, this is actually a fresh water reservoir. तो जो भी सिंगापुर के वाटर नीड्स होते हैं उसमें दिस प्लेज अ वेरी वेरी वाइटल रोल. एंड सिंगापुर हैज़ बीन वेरी वेरी कॉशियस अबाउट मेंटेनिंग द वाटर रिजर्व. सो दिस इज़ वन ऑफ द वेज हाउ दे मेंटेन इट. दूसरी चीज़ है दैट दिस प्लेस हेल्प्स इन फ्लड प्रिवेंशन. सिंगापुर इज़ अ सिटी जो कि चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, तो दे हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट द फ्लड प्रिवेंशन मेजर्स एज वेल. तो ये डैम उसमें भी बहुत हेल्प करता है. एंड तीसरी चीज़ है विच इज़ जस्ट एन एड ऑन बेनिफिट, दैट इज़ इन्होंने इतनी अच्छी तरीके से बना रखी है ये जगह कि ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन भी बन जाती है. अब ये ऐसी जगह नहीं है कि आप एज अ टूरिस्ट इधर आओ एक्सप्लिसिटली देखने के लिए, क्योंकि सिंगापुर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कवर करने के लिए. कैमरा रख देता हूँ भाई. चलो बात बहुत हो गई, अब मैं आपको जगह दिखाता हूँ. उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा. फिर मिलते हैं. फिन.